सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। अरे बाप रे बाप, ये लीजिए सुरेश रैना जी, शिखर धवन जी, हार्दिक पांड्या जी। ओ गॉड, दिस इज प्राइड ऑफ इंडिया। जय हिंद। मैसल बच्चा यादव। हेलो 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 सर। हार्दिक पांड्या जी, आपका टीम तो अभी है, आईपीएल भी जीता, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया। नहीं, कहने के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं भी कह सकते थे, लेकिन हार्दिक हमने अवॉइड किया क्योंकि हार्दिक इनका इनबिल्ट है। सुरेश रैना जी, ओ हो, क्या कमाल का खेलते हैं सर। अरे खेलने के अलावा गाते भी कमाल का हैं सर ये। Really? हाँ सर, सर रैना सर, हमने आपका गाना सुना, वो वाला अपना, वो रैना तू जैसे तू। अबे वो इनका गाना नहीं है। आपका गाना नहीं है सर वो? ना। अरे सर, आपके नाम का ऐसा मिसयूज कर लिया ये लोग ने यार। रैना डाल दिया गाने के अंदर, ऐसा होता है सर, लेकिन कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ है सर। कैसे? हमारे नाम का मिसयूज करते हैं लोग। कैसे? मायसेल्फ बच्चा यादव। अभी आप देखिए, किसी भी घर में बेबीज पैदा होता है ना, कहते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है। ये देखिए हमारे नाम का कैसा मिसयूज हो रहा है। हम अकेले आदमी इतने सारे घरों में कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वैसे शिखर धवन जी, सर आपसे एक काम था छोटा सा। हाँ जी, बताइए सर। ये जरा इसे ओपन कर देंगे, ये काम आप ही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ओपनर। सर ऐसा जॉक्स के लिए, माहौल के लिए बोल दिया, वरना ओपनर लाए सर, ऐसा बात नहीं है, सबको आराम से। नहीं, आपका पीने का मन होएगा तो पीजिएगा, वरना इट इज देयर फॉर यू सर। वैसे सर, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े बड़े वाले। एक बात बताइए, अगर एक लड़की को एम्पायर बना दिया जाए तो फिर नो बॉल नहीं होएगा, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की की नाम है हाँ है यार, तो नो बॉल बिकम्स यस बॉल। भैंसिया नहीं आ रही आजकल? अरे वो अपनी एक नई पूछ लगवाने गई है। नई पूछ क्यों, मतलब पुरानी कहाँ गई? अरे सर, हमारा क्या उसके साथ शर्त लग गया था कि अगर पूना जीतेगा तो हम अपनी मूंछ कटवा देंगे। अच्छा। और मुंबई जीतेगी तो वो अपनी पूछ कटवा देगी। तो देखिए, मुंबई जीत गई, उसको पूछ कटवानी पड़ी। अभी नई वाली लगवाने गई है, पर नई वाली अच्छी है, उसमें ऐसा लाइट वाइट भी जलता है, उसमें अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, नया वाला जो है ना पूछ। आपने आपने उसकी लगा ली, वो काटी हुई? अरे नहीं नहीं, ये उसकी नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज डिफरेंट है, इनबॉर्न है टैलेंट अपना। अच्छा, आना कैसे हुआ तुम्हारा? हम खाली दरख्वास्त करने आए थे सर कि हमको एम्पायर बना लीजिए। नहीं नहीं, आपको सच बता रहे, हम खानदानी एम्पायर हैं। आजकल ये जो एम्पायर इशारे विशारे करते हैं ना, हमारे परदादा जी ने ईजाद किया था इन इशारों का। क्या बात, सच में? हाँ, अरे हमारे दादाजी को उन्हें खड़ा कर दिया कि आप एम्पायर हैं। फिर एक आदमी ने आकर ऐसा बॉलिंग किया, विकेट से बहुत दूर बॉल गया, हमारे दादाजी ने कहा ये क्या तरीका है यार, कहां जा रहा है बॉल, ये वाइड बन गया। ये वाइड का इशारा वहां से इजाद हुआ। फिर आया दूसरा, एक बॉलिंग किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऐसा बाउंड्री के बाहर गया, यहां वहां सब दौड़ रहे, किसी को बॉल मिल नहीं रहा है। हमारे परदादा जी बोले क्या, देखो यार यहीं कहीं होगा बॉल, जरा देखो ठीक से, यहीं कहीं होगा, जरा देखो, ये ऐसा बाउंड्री फोर का इशारा हो गया। फिर यार एक और आदमी ने ऐसा शॉट मारा, सीधा छक्का, ऊपर से जा रहा है, हमारे परदादा जी बोले ये क्या मार दिया यार इतना ऊपर। ये लीजिए, ये छह का इशारा हो गया, सब एक के बाद हमारे दादाजी। अरे फिर उसके बाद तो एक बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को पैर पे लगाया यार जोर से, दादाजी ने बैट्समैन से पूछा यार ए तेरे को लगी क्या जोर से। ये लीजिए, लेग बाय का इशारा यहां से आया, दादाजी खाली पूछ रहे थे कि लगी क्या। ये लीजिए, हमारे परदादा जी सब इजाद किए हैं। बच्चा जॉक्स का पिटारा नहीं खोला आज? हाँ जी, जॉक्स जॉक्स। अरे यार जॉक्स सर, हमारा जॉक्स का एक ऐसा पिटारा रहता है, बहुत सारा जॉक्स है हमारे पास, माहौल बन जाता है, थोड़ा मजा आता है सबको, तो लीजिए एक जॉक्स जॉक्स। चलिए जॉक्स पेश करते हैं, क्रिकेट का बात चल रहा है तो एकदम क्रिकेट वाला हम जॉक्स सुनाएंगे। तो ये जब मैच चल रहा है, तो मैच जैसा ही खत्म होता है तो स्टेडियम में ऐसा गर्मी क्यों हो जाता है?
क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे फैन चले जाते हैं. फैन नहीं है तो गर्मी होगा. थैंक यू. माहौल तो बन गया भाई. जोक सुनाया. थैंक यू सर. थैंक यू. अरे आपसे मिलकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ है. आप पियेंगे क्या? हम पी लें. थैंक यू यार. बाकी का बात बात में करें. कपूर शर्मा एक लोटा पानी दीजिए. अरे वो चौराहे पे भीषण आग लग गया है. भीषण आग लगा है चौराहे पे. अबे चौराहे में लगी तेरी धोती में थोड़ी ना लगी है. एक लोटे पानी से क्या होगा? कपूर शर्मा लोटा हमको लोटे का पानी किसी और काम के लिए चाहिए यार. वो आग देख के हमारा पेट एकदम बिगड़ गया है. दीजिए. गेस्ट आए हो. अरे यार सॉरी. मैं हेलो पहुंची. आप लोगों को देखा ही नहीं. हेलो हेलो. मैं सब बच्चा यादव. हेलो हेलो सर. हाउ आर यू? अरे देखिए यार इधर तो आप पहले से माहौल बना के बैठे हैं यार. ठीक है लोटा वोटा कैंसिल हो भी. देख के मजा आ गया हमको. हेलो कैसे हैं आप लोग? वैसे ईसा जी ओ हो बहुत ही प्रेटी लग रही हैं आप. नहीं नहीं सच में आपको एक बात बताए. हमारे दिमाग पे काफी टाइम से एक सवाल चल रहा था. क्या? कि आपके तो स्कूल कॉलेज के टाइम में आप बड़े आराम से ऐसे पास हो जाती होंगी. क्यों तुझे कैसे लगा? नहीं नहीं इनकी टीचर इनसे कहती होंगी ईसा कॉपी कर. ईसा कॉपी कर. दैट वाज एजुकेशनल जोक. हम तुझे कहते हैं जोक का एक माहौल शुरू करते थोड़ा. थैंक यू. लकेट सर. महेश जी आपने हमको पहचाना? नहीं याद कीजिए. आप दबंग फिल्म में है. अरे दबंग में ये थे ना. तू थोड़ी ना था. तुझे कैसे पहचानेंगे? अब तो दबंग में मेधा जी भी नहीं थे. उनको पहचानते कि नहीं पहचानते? अरे वो तो उनकी वाइफ है. अगर ऐसा है तो ठीक है यार. इस साल से हम भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेंगे. नो प्रॉब्लम. अच्छा ये क्या पहन के घूम रहा है? ये यार हमारा दूल्हे का ड्रेस है यार. थोड़ी देर में हमारा शादी अभी बारात आएगा. आप नागिन डांस करेंगे. बेकार का बात करता है यार आदमी. दिखाई नहीं दे रहा है. हम फायर ए ग्रेड ज्वाइन किए हैं. अबे फायर ब्रिगेड होता है ना. बी ग्रेड काम आप करते हैं. हम जो करते हैं ए ग्रेड होता है. और सर आज देखिए इधर इत्तेफाक का बात देखिए. यहाँ पर महेश मांजरे जी भी है. सचिन खेड़े जी भी हैं. ईसा कोपी जी भी हैं. अबे मांजरेकर साहब खेड़ेकर कोपीकर कर कर खाई गया तू. अरे मार्च का महीना चला गया. कर तो इन्होंने भर दिया होगा. बचा ही नहीं ना. दिस वाज अ फाइनेंशियल जोक. जोक जो है जरा इंटेलिजेंट लोगों के लिए. आपके बस का बात नहीं है सर. सॉरी. अच्छा तू इतना इंटेलिजेंट है. एक बात बता. हाँ बताइए सर. एक बिल्डिंग के 22वें माले पे आग लग गई है. लगी है. ठीक है. मान ले लिफ्ट भी नहीं चल रही तो आग कैसे बुझाओगे? अबे ऐसे कैसे बुझेगी आग? आपने कहा मान लो आग लगी है तो हमारी तरफ से भी मान लो के फूंक से बुझ गई यार. मान लो. तीन चार फालतू बात हमने मान लिया. हमारा एक अच्छा बात आप भी मान लो. ए, 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 आ, हा, हा, हा. हेलो. क्या? ओहो अपना ये क्या पटाखा का फैक्ट्री में आग लगा है. एक काम कीजिए आसपास का बच्चा लोग को बुलाइए और कहिए एंजॉय. पानी का टैंकर लेकर क्यों आएंगे यार? सब पटाखा वटाखा बुझ जाएगा. खराब नहीं हो जाएगा पटाखा? देखिए इस तरह एक गाली सुनने का हमको आदत नहीं है. SMS कर दीजिए हम पढ़ लेंगे. ओके ओके. लीजिए. वैसे ईसा जी आप कहें तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें. चलो दीदी बोलो निकलो. Yes, I like that.
ये जो आपने बात बोला है ना, इस क्यूट से फेस से जल रहे हैं आप, हमें दिखाई दे रहा है। Do you need fire extinguisher? Actually, हमको जरा जल्दी है, जाना है आज। कोई नहीं, तू जा बच्चा। ऐसे कैसे चले जाए यार, जॉक्स सुनना है जॉक्स। सर यहाँ पर क्या होता है हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है, अभी क्या है कि बहुत फनी हो जाता है, बहुत ऐसा माहौल बन जाता है यहाँ पे, तो हम इनको भी बोलते रहते थोड़ा कॉमेडी कीजिए, मजा आएगा लाइफ में, सुनते नहीं है ये। तो एक जॉक्स पेश करते हैं, लेकर आए हैं। तो हमको बताइए कि ऐसे कौन सी दो चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती, लंच एंड डिनर। यार इसके लिए तो तोपों की सलामी देनी पड़ेगी यार। हम चलते, थैंक यू वेरी मच, आप लोग से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। ओके, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू। ओके सी या। नहीं नहीं, अरे रुक जाइए, रहने दीजिए। हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई रुक जाइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, दो तीन कमाल का न्यूज लेके आएंगे, अब देखिए, देखते ही देखते आपका चैनल टीवी पे आ जाएगा, जस्ट वेट फॉर मी। जय महेश मती। सुपो जी, ये क्या नमस्ते, बन के नमस्ते, व्हाट इज अप बरो, ये क्या बन के घूम रहा है? क्या बन के क्या घूम रहे हैं यार, वो क्या था, हमारे पास कार नहीं था इसलिए हम पत्रकार बन गए। लेकिन यार ओ कपू शर्मा, एक अर्जेंटली दो गर्मा गर्म न्यूज चाहिए यार, हमारी ओर फेंकिए ना। मैं कहां से दूं न्यूज तुम्हें यार, अजीब आदमी है ये। एक काम कीजिए यार, ये लीजिए, ये रखिए, ये रखिए, फोन है इस पे, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी कट 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 कर दीजिए, आप तो न्यूज बना ही देते हैं। ट्विटर पे शुरू होता है आदमी ना। लेकिन सर ये देखिए देखिए, हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना, तीन चार अच्छे अच्छे वेरी रिस्पेक्टफुल लोगों का, नहीं नहीं सर, को अच्छा बोला है? नहीं, आप अच्छे नहीं, अच्छा बोला सबके सामने है। नहीं, नहीं, अरे ये तो लीजिए, ये लीजिए, सबके सामने मुझे अच्छा बोला तुमने। सर आप 40 साल की मेरी मेहनत खराब कर दी तूने। सर आए मतलब इस काम के लिए आया था मैं यहाँ पे, लोगों के सामने तुम मुझे अच्छा बोलो। ओके, ही इज बैटमैन, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू। पहली बात यार, आदमी को बुरा बोलने पे इतना खुशी होता है। आई लव यू, आई लाइक इट बेबी। देखिए, हेलो सर, हेलो हेलो, और श्रुति जी आपको तो क्या कहे हो। अरे ये कुर्ता क्यों खा रहा है, अंदर जा, कुर्सी पड़ी एक खाली जाके अंदर, पुदीने की चटनी के साथ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, अभी अभी क्या, बाहर एक स्कूटर खड़ा था उसको हमने खा लिया, उसका टायर अभी भी पेट में अटका है, बेकार का बात करता है यार आदमी। सर हम जरा श्रुति जी को देख के थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। अब यह मत कहिएगा कि शर्मा तो मैं हूं, तुम क्यों शर्मा रहे हो। ये आदमी बॉक्स के लिए कुछ भी बोलता है सर। पर शर्मा क्यों रहा है तू? क्या बताएं सर, आपको बताएं सच में ना, कल ना लड़की वाले घर पे हमें देखने आए थे, अब वो लड़की हमें देख के बहुत अचानक से रोने लगी, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। हम बोले यार इतने खुशी के आंसू कैसे निकल सकते किसी के, फिर वो घर से गई हमारे, हम फोन किए, फोन नहीं उठा रही है, एक्चुअली सी ब्लॉक्ड मी। पर देखिए कट्टू, देखिए कट्टू वहां से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ श्रुति जी बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाउ लकी एम आई। अच्छा तुझे किसने कहा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? अब राजकुमार जी आप बताइए, रात के 9 बजे एक लड़की कोई बिना कोई इंपॉर्टेंट काम, व्हाई विल बी सिटिंग विद हिम? अरे वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। ए लीजिए यार, ये फिल्म है, कोई हवलदार है क्या जो प्रमोटर के इंस्पेक्टर बन जाएगा? ऐसा क्या, देखिए ये सब प्रमोशन बहाना है, आई नो। लीजिए आपके लिए, आपके लिए। अरे लीजिए, रखिए बेटा, रखिए रखिए, हमको तो कुछ ऐसा दूर से गोल्डन गोल्डन दिखाई दिया, हम सोचे रिंग होगा। बच्चा एक बात बता, चाहता क्या तू यार? हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे करना चाहते हैं, हम करवाएंगे। चाहता है तो
ऐसे पूछते हैं जैसे दुनिया का सब कुछ करवा देंगे। हम आपको बता दें सर, हमने अपना एक नया न्यूज चैनल खोला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूज चैनल है नंबर वन बन जाए, आथू टीवी। ये क्या नाम हुआ आथू? अब सर हमने क्या किया, तीन चार लोगों से जाके पूछा यार क्या नाम रखे चैनल का। वो बोले कि एंकर कौन है, हमने कहा हम, उन्होंने कहा आथू। हम बोले यार कि यार इस नाम में एक गीलापन तो है। बस अब आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे और अपना चैनल तड़ातड़ चलेगा बस। हाँ तो फिर इंटरव्यू ले फिर जा। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू फॉर आथू टीवी। ओके, सबसे पहला सवाल गुलशन ग्रोवर जी, हमको एक बात बताइए, ये जो फिल्मों में आपको ऐसा लेडीज को पिकअप कर लेते हैं आप, ऐसा मतलब किडनैप करते हैं, ये सब करने के लिए कौन कहता है आपको? अरे अरे अरे, ये यार हमेशा राइजिंग स्टार क्यों हो जाते हैं? क्या सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, तेरी धोती खुलेगी ये आथ। उनको डायरेक्टर बोलता है उठाने के लिए, तो डायरेक्टर को बोलिए खुद जाके किडनैप करें ना यार, आपको काम दे देता है। हम का आपको बैडमैन बना दिया। राजकुमार राव जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपको ना साहित्य के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अभी भी आपके पास रखा हुआ है कि साहित्य को दे दिए? नहीं, मैंने शाहिद को अपने नाम की एक फिल्म बनाने को दी थी आर राजकुमार, तो उन्होंने वो मेरे नाम यूज करके फिल्म बना ली थी। ए लीजिए, आई ऑलवेज से लाइफ इज अबाउट गिव एंड टेक, ये हो गया गिव एंड टेक। वैसे एक बात बताए, बहुत मुश्किल काम है कप्पू शर्मा ये इंटरव्यू लेना यार। वैसे एक बात बताइए सर कि ये जो इंटरव्यू है जो लिया हमने, ये सब जो लिया, हाँ, ये हमको अब देना कहाँ है? क्या पता आप कहाँ देते हैं? सोनी टीवी को, तो हम भी सोनी टीवी को दे देंगे। तो लेंगे नहीं लेकिन ना, तुम्हारा इंटरव्यू तो हमारे इंटरव्यू के बीच में घुस गया ना, चल गया वो तो। हाँ, तो चीटिंग किया ये आदमी यार। हमारा इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के बीच में ऐसा घुस के आ जाएगा सोनी टीवी पे? और यार ये तो खुशी की बात, आप हमारा तो पूरा पैसा ही लूट गया, हम आपको केस करेंगे आपके ऊपर। अरे तू तो रोक ही रहा है, चीटिंग किया आपने हमारे साथ। किसने कहा था तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए? इंटरव्यू लेने आए थे। इट इज रॉन्ग यार, इट इज रॉन्ग। अच्छा चल चल, रो ना, कोई जोक तो सुना बच्चा। ये अच्छा बात किए ना अब आप, ये अच्छा बात। जोक सुना दे, जोक। आर यू रेडी फॉर जोक? ये लीजिए, पेश करते हैं। एक बार एक आदमी होता है, बोलता है, सेल्समैन है, कहता है कि सर आप ये कॉकरोच का पाउडर लेंगे? तो सर के घर में जो है बहुत सारे कॉकरोच हैं, फिर भी वो पाउडर नहीं लेते। पूछे क्यों? क्यों? तो कहते हैं कि आज कॉकरोच को पाउडर दूंगा तो कल परफ्यूम मांगूंगा, परसों लिपस्टिक। बहुत फनी था, बहुत फनी। आप लोग को हमने ज्यादा एंजॉय करवा दिया, अब हम चलते हैं यार, लेकिन बहुत मजा आया। गुड बाय, सी यू लेटर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।